थोड़ी थोड़ी सी, तो आप पीछे हो जाओ ना, थोड़े थोड़े वो हो जाएंगे। चलो आ गया, बस बस चल गया, बस चल गया भाई, लाइव हो गया। सभी सम्मानित साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और साथियों, जैसा कि आपको फेसबुक के माध्यम से पता चला कि पिछले 10 दिन पहले हरिद्वार में एक मूर्ति प्रकरण हुआ, परम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज जी की मूर्ति को खंडित कर दिया गया, गंगा में फेंक दिया गया और फिर पुनः उसी मूर्ति को उठाकर वहां पर स्थापित कर दिया गया। कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा, राजनीतिक लोगों के द्वारा और जनता को भ्रमित किया गया कि यह मूर्ति खंडित नहीं है। उन लोगों ने उसी मूर्ति को स्थापित किया, उस मूर्ति को डेंट पेंट कराकर स्थापित किया। लेकिन आज से ठीक 5 दिन पहले 31 तारीख में भीम आर्मी के संस्थापक आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी वहां पर पहुंचते हैं। इसे सही रखना, इसे चाहे गलत हो जाए। आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी वहां पर पहुंचते हैं और बड़े ही गौर से देखने के बाद मूर्ति पर पता चलता है कि मूर्ति पूरी तरह से खंडित है, जिसमें पूरी तरह से संज्ञान लिया जाता है। और एक लेटर पैड के माध्यम से यहाँ SDM महोदया को हम अपनी बात रखते हैं, वो हमारी बात को DM साहब तक पहुंचाती हैं। प्रशासन की तरफ से इसमें जो है अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन के संस्थापक आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी हरिद्वार में एंट्री करते हैं और प्रशासन पूरी तरह से मंडावर चेक पोस्ट पर उनके साथ में उनके कार्यकर्ताओं को रोक लेते हैं। तो पुलिस प्रशासन का जो कहना है, क्योंकि हमारे महापुरुषों से जुड़ी बात है, हमारी आस्था से जुड़ी बात है और किसी भी प्रकार से भीम आर्मी सामाजिक आस्था पर जिस प्रकार से ठेस पहुंच रही है, हमारे समाज में जिस प्रकार से ये मैसेज गया है, ये बहुत गलत मैसेज गया है कि जिन लोगों ने मूर्ति स्थापित कराई और ये कहकर कराई कि मूर्ति पूरी तरह से सही है लेकिन मूर्ति खंडित थी, आज फिर से उन्हीं लोगों ने, क्योंकि प्रशासन ने भीम आर्मी के दबाव में आकर मूर्ति को पूरी तरह से कवर कराया। हमने कहा कि मूर्ति को पूरी तरह से कवर कीजिए, जब तक नई प्रतिमा यहाँ पर नहीं लगती है तब तक इस मूर्ति को पूरी तरह से कवर कीजिए। आज प्रशासन के द्वारा मूर्ति को कवर किया गया, लेकिन कुछ राजनीतिक दल वहां पर पहुंचे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन क्षेत्रीय विधायक है, मेरी बात को समझ गए होंगे, एक ऐसे नेता जिन्हें जनता ने चुनकर भेजा लेकिन जनता की कभी उन्होंने नहीं सुनी, और एक ऐसे नेता जो अपने आप को रविदासा चार्य कहते हैं और वो गुरु महाराज संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज जी की मूर्ति पर जूते लेकर चढ़ते हैं, एक ऐसे विधायक यहाँ पर मौजूद रहे आज। मैं पूरा जो है भाई यहाँ फोकस कर, मैं पूरा आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि साथियों, आज का जो प्रकरण रहा है, जिस प्रकार से मूर्ति को ढका गया है, अब सोचकर देखें उन लोगों की क्या मानसिकता है। उन लोगों ने पहले बताया जनता को कि मूर्ति स्थापित करा दी गई है, उन लोगों ने पुष्प अर्पित किया मूर्ति पर और जनता का पूरी तरह से, पूरे देश की जनता का पागल बनाने का काम किया, मूर्ख बनाने का काम किया है कि मूर्ति खंडित नहीं है, मूर्ति को स्थापित करा देते हैं। फिर भीम आर्मी इसमें संज्ञान लेती है, मूर्ति खंडित है। आज वही नेता, वही भाजपा के विधायक आज फिर से उसी मूर्ति को ढक कर ये कहते हैं कि जल्दी जल्द से जल्द यहाँ पर नई प्रतिमा रखी जाएगी। ये सोचकर देखिए, कल वो उस मूर्ति को सही बता रहे थे, आज उस मूर्ति को खंडित बता रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे साजिश की बू आ रही है, कहीं ना कहीं इन लोगों ने अपनी राजनीति को चमकाने के लिए और जनता का मूर्ख बनाने के लिए एक प्रतिमा को उठवाकर गंगा में फिंकवाया, फिर उसी प्रतिमा को उठवाकर वहां स्थान पर रखवाया, फिर लोगों का मूर्ख बनाने के लिए उसी प्रतिमा को वहां स्थापित करवाकर यह बताया कि प्रतिमा खंडित नहीं है। लेकिन आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के द्वारा बताया गया कि प्रतिमा पूरी तरह से खंडित है, उसमें संज्ञान लिया गया। आज भीम आर्मी के हजारों सैकड़ों कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे और प्रशासन ने दबाव में तत्काल उस मूर्ति को कवर कराया, लेकिन जिन लोगों के द्वारा मूर्ति कवर की गई है उन लोगों ने आज फिर लाइव वीडियो के माध्यम से यह कहा है कि मूर्ति पूरी तरह से खंडित है, जिस मूर्ति को उन्होंने सही समाज को सही बताकर वहां स्थापित किया था, आज वो मूर्ति उनकी नजरों में खंडित है। इसका मतलब मुझे साजिश की बू आ रही है, इसका मतलब इन लोगों ने मूर्ति को वहां से उठवाकर फिकवाया, इन्हीं लोगों की साजिश के तहत मूर्ति खंडित हुई है। तो ये समाज को तय करना होगा कि ऐसे नेताओं के हाथ में अपनी बागडोर देनी है, ये समाज को तय करना होगा कि आज के युवा जो संघर्ष कर रहे हैं, समाज में रात दिन एक करके संघर्ष करके समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, ये नेतृत्व इन युवाओं के हाथ में देना होगा या ऐसे दलालों के हाथ में देना होगा जो दलाल आज वहां खड़े होकर मीडिया में लाइव वीडियो डालते हैं और कहते हैं कि प्रतिमा पूरी तरह से खंडित है, कवर कर दी गई है, ये उन्हीं के द्वारा प्रतिमा खंडित की गई है। तो सभी साथियों तक मेरा मैसेज पहुंच गया है, जिन साथियों तक नहीं पहुंचा है वो लाइव वीडियो को शेयर करें, आगे तक पहुंचाएं।
ताकि सभी साथियों को मैसेज मिल पाए कि आज प्रतिमा को पूरी तरह से कवर कर दिया गया है, लेटर पैड के माध्यम से अपना ज्ञापन दे दिया गया है, जल्द से जल्द प्रतिमा को वहां पर लगवाया जाए, नहीं तो भीम आर्मी इसमें एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगी। जय भीम, जय भीम आर्मी, जय भीम।